यह है जंगली जानवरों की कहानी। पूरा कहानी सुनकर जाना बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खुशहाल जंगल में जंगली जानवर खुशी खुशी रहते थे। यहाँ के सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और साथ में जंगल की सुंदरी बिस्तरी पर सोते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। यह जानवर बिल्कुल अजनबी था और वह अकेला रहना पसंद करता था। वह दूसरे जानवरों से मिलने से इनकार करता था और जंगल की सुंदरी बिस्तरी पर नहीं सोता। इसके कारण जंगल के अन्य जानवरों ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहना पसंद करता था। वह जंगल के सुनहरे दिनों की बजाय अकेले रहकर अपने तरीके से जीता। धीरे धीरे दूसरे जानवर उसके साथ रिश्ते तोड़ने लगे, क्योंकि वह सबसे अलग था। वह अकेले चरने लगा और जंगल के सुनहरे मोमेंट्स का आनंद नहीं ले सका। फिर एक दिन एक बड़ा खतरा आया जंगल में। एक शेर आया और अकेले जानवरों के पीछे पड़ गया। सब जानवर बिलख-बिलख कर भाग गए, लेकिन वह अकेला छोड़ गया। अचानक शेर उस जानवर की ओर बढ़ा और उसको पकड़ लिया। उसका सिर झुक गया और वह चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी जंगल के बाकी जानवरों ने इसकी दिशा में मिलकर काम किया। वे एक साथ आकर शेर को भगाने में कामयाब हुए और उस जानवर की जिंदगी को बचाया। जानवरों ने एक साथ काम करके शेर को भगाया और उस जानवर को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद उस जानवर ने समझा कि जंगल में सबका साथ देना और एक दूसरे के साथ जीना बेहद महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ मिलकर ही हम बड़े संघर्षों का सामना कर सकते हैं और खतरों से बच सकते हैं। एक दूसरे का साथ देने से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।